भारत के डबल ओलंपिक मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शनिवार को कन्फर्म किया है कि वे 22 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। लंबे वक्त से कमर में चोट से जूझ रहे नीरज चोपड़ा ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल उनके नाम रहा था। तो अभी वही है कि डिसाइड किया है कि जो लोजान डायमंड लीग है उसमें भी पार्टिसिपेट करें, वो 22 को होने वाली है, तो अभी काफी सही लग रहा है, देखते हैं बाकी। 8 अगस्त को ओलंपिक के भाला फेंक फाइनल इवेंट के बाद नीरज ने स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग शुरू की है। चोट के बावजूद उनकी निगाहें सीजन को बेहतर अंदाज में खत्म करने पर टिकी है। जी बिल्कुल, पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं ज्यूरिख डायमंड लीग में पार्टिसिपेट करूंगा और फिर फाइनल डायमंड लीग में, लेकिन अभी यहाँ पे आके मतलब लकीली पेरिस के बाद इंजरी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मली कंपटीशन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस बार थोड़ा ठीक रहा। फिर हमने ट्रीटमेंट वगैरह करके, ईशान भाई ने पेरिस में भी थोड़ा ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मैं मेरी इंजरी के लिए ईशान भाई को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। पेरिस ओलंपिक गेम्स में 90 मीटर के मुश्किल मार्ग को पार करने से चूकने के बाद नीरज ने इस पर जारी बहस को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पता नहीं यार, ये टारगेट वगैरह के उसमें मैं अभी वो हो ही चुका हूँ कि अभी बस लगता है कि ऊपर वाले के पूरी छोड़ना पड़ेगा, अपना बस मेहनत करो, बस अपना तगड़ी तैयारी करो और बस झटका मार दो, जहाँ जानी है चली जाएगी, क्योंकि ये 90 मीटर हो के इतना हो गया अभी कि मुझे लगता है कि बस अभी छोड़ दो ऊपर वाले के। नीरज चोपड़ा को ब्रुसेल्स में होने वाले सीजन के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए डायमंड लीग मीटिंग सीरीज में टॉप 6 में जगह बनानी होगी।